कि भारत में ये कितनी साल पुरानी गाड़ी है और इस समय भारत में क्या गाड़ियाँ बन रही हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यही गाड़ी है जो कैमरा मैन ने इसको दिखाई, यही गाड़ी है जो पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल है और ये चल रही है। और अपने भारत में जो कि दिखा सकते हैं काफ़ी लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, इस गाड़ी को दिखाया जाए, काफ़ी लेटेस्ट गाड़ी हैं जो कि ये चल रही हैं। ये गाड़ी भारत में कितनी पुरानी होगी, कितने साल पहले लॉन्च हुई? लगभग 20 साल। और पाकिस्तान में यही मॉडल लेटेस्ट मॉडल, तो आप क्या कहना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान से कितने आगे कितना पीछे है? बहुत पीछे है, कुछ उसका आकलन नहीं है, कोई आकलन नहीं है। सर आपको क्या कहना है इस बारे में? अब जो भैया बोले हैं वही मैं भी बोलना चाहता हूँ। वही बोलना चाहते हैं जी। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल है और भारत में कौन सी गाड़ी, क्या इस गाड़ी को चलाना आज भी प्रेफर करते हैं लोग? नहीं, कहीं कहीं देखी जाती है, कहीं कहीं देखी जाती है। आजकल दिखाया गया कैमरा मैन हमारे देश की गाड़ियाँ स्प्लेंडर हो गई हैं, पल्सर हैं और काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ जो उनके हाई लेवल के हैं और काफ़ी फीचर्स के साथ आती हैं। हाँ भैया, और पाकिस्तान में ये लेटेस्ट मॉडल है जी। तो इस हिसाब से पाकिस्तान हमसे कितना पीछे है? बहुत ज़्यादा। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। ये गाड़ी है जब लॉन्च हुई होगी, कब लॉन्च हुई होगी, ये कितने साल पुरानी गाड़ी है? सर 10-15 वर्ष हो गया। 10-15 वर्ष पाकिस्तान में ये लेटेस्ट मॉडल गाड़ियाँ हैं, होंडा CT 170 करके, 70cc की आती है जबकि हमारे देश में 100cc की आती हैं गाड़ियाँ, और पाकिस्तान में ये लेटेस्ट मॉडल है। तो आप इसका क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान कितना पीछे है हम लोगों से? सर बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप कहाँ से रहे सर? एक मिनट, अच्छा ये गाड़ी देख रहे हैं? हाँ भैया, ये गाड़ी देख रहे हैं, कितने साल पहले लॉन्च हुई होगी ये गाड़ी? 30 साल तो हो गया होगा। 30 साल ना, पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल है, इससे अच्छा नहीं होता पाकिस्तान, मुर्दाबाद। थैंक यू सर, अच्छा लगा बात करके। तो हेलो दोस्तों, द रिएक्शन पब्लिक में आपका स्वागत है। आज हम एक गाड़ी की दिखा रहे हैं, ये गाड़ी है कम से कम हीरो होंडा CD 100, और ये गाड़ी कब की है और किस समय की है आपको ये सब दिखाएंगे और पब्लिक से बात करेंगे, क्या ये गाड़ी इंडिया में अभी भी बनती है या ख़त्म हो गई? क्योंकि पाकिस्तान में होंडा CD 70 और होंडा 125 जैसी गाड़ियाँ इसी लुक में आती हैं और इसी सेम सिचुएशन में आती हैं, और पब्लिक के बीच में चलेंगे और पूछें ये गाड़ी आज भी इंडिया में, इसकी मतलब कितने साल में पहले बनी थी और इसका ईयर कितना हो गया है, और इस समय जो गाड़ियाँ आ रही हैं किस ईयर की आ रही हैं? पता है ये होंडा CD 100 पता है आपको कितनी साल पुरानी गाड़ी होगी? ये होगा 15 साल पुराना होगा। 15 साल पुराना, और आप हमारे पड़ोसी मुल्क में पता है ये गाड़ी उस समय अब इतनी समय की फेमस नई गाड़ियां हैं, और अपने भारत में जो ये गाड़ी है ठीक है ये 15 साल पुरानी है, और पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चलती हैं यही गाड़ी चलती है इस समय नई टेक्नोलॉजी में। तो आपको इस अनुमान से कितना लग रहा है कि पाकिस्तान कितने साल पुराना है, मतलब हम लोग से पीछे है? बहुत पीछे है वो, 15 साल पीछे हो गया। अरे बहुत, वो इसमें लेटेस्ट गाड़ियां हैं, यही सब गाड़ियां वहां पे चलती हैं पाकिस्तान में, इसलिए मेरा यही क्वेश्चन बना है कि मैं आप लोग से पूछूं वो गाड़ी कितनी साल पुरानी है, और उससे पता चलेगा कि कितने साल हम लोग से पीछे हैं। और आए दिन हमारे देश में वो धमकी देते रहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ उनके मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं कुछ और, हमारे मुकाबले में वो काफ़ी कहीं ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन फिर भी वो धमकियाँ देते रहते हैं कि उनके मिनिस्टर कुछ और जवाब देते हैं, हम न्यूक्लियर हमला करेंगे। समुंदर से वो तुलना करेंगे? जी सही बात बोले, समुंदर से तुलना करेंगे, लेकिन तो वो देखिए समुंदर है, वो एक छोटी सी गढ़ाई है, तालाब है, तो छलकेंगे तो वहीं ज़्यादा, समुंदर तो शांत रहती है। समुंदर तो शांत रहता है, ऐसा उनका हमेशा यही कहना है कि भारत में जो मुसलमानों लोग को जितना जुल्म हुआ जाता है उनको दबाया जाता है, ये उनको वो राइट्स नहीं दी जाती है जो बाकी लोगों को मिलती है, जो हिंदू को मिलती है वो मुस्लिमों को राइट्स नहीं दी जाती, क्या आज देश में ऐसा होता है? आज तो हमारे वहाँ की जो भी संस्कृति है जी, जो भी शासकीय व्यवस्था है जी, जो भी मुस्लिम है हिंदू है, खुद पाकिस्तान वाले ही तो तारीफ कर रहे हैं। तो वही बात है और उन लोग भी हमेशा वहाँ की पब्लिक ये कहती है, उन पब्लिक को यही बताना है कि हमारी पब्लिक क्या सोचती है उनके बारे में, और हमारी पब्लिक जो हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं कि वहाँ पे दबाया जाता है, आप वहाँ की पब्लिक को क्या संदेशा देना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का व्यवहार होता है? नहीं, वहाँ की पब्लिक ही तो कह रही है कि हमसे तो फार बेटर, हम तो अगर पाकिस्तान इंडिया में होते तो इससे कहीं सुरक्षित होते,
लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जिनका ब्रेन वॉश पहले जैसा है कि नहीं हम जज्बाती, हम मुसलमान हैं, हम जज्बात हैं। अब ये कौन सा ऐसा जज्बात उनका सामने आ जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कि कहते हैं वो काफिर लोग हैं, हिंदू काफिर लोग हैं? समाज में तो कई तरह के लोग हैं ना, अब वो किस ग्रेड से संबंध रखते हैं तो जैसा होंगे स्टेटमेंट तो ऐसा ही देंगे, यही बात है। आप वहाँ उनकी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम कैसे रहते हैं और हमारा नेचर कैसा है? हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, हम भारत में हैं, तो अगर सभी लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के झंडे के सम्मान करते हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं। जो भी लोग हमारे हिंदुस्तानी झंडे को सम्मान देते हैं सब हमारे हैं, हिंदुस्तानी हैं। जी बिल्कुल, और हम भी यही चाहेंगे कि हम जैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वो हमेशा कहते हैं वसुंधरे वा कुटुंबटुं, ये पूरा विश्व हमारा एक संसार है, संसार ये पूरा एक हमारा घर है। आज जो स्थिति है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जनता ही तो हमारी व्यवस्था को स्वीकार रही है कि अगर हम इंडिया में होते तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। वो हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया से हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हम खाने के लिए आटे के लिए नहीं मरते, हमको आटा पर्याप्त होता। सही बात है, आज की कंडीशन ये है कि उनके पास आटे नहीं है, आटे के लिए सब कितने जाने जा रही हैं। अपना पैसा, अपनी शक्ति जो है भारत को बर्बाद करने में लगा रहे हैं, वही पैसा और समय जो है अपने उन्नति के लिए लगाते तो उनकी यह स्थिति नहीं होती। जी बात सही बोल रहे हैं, और तो अपना समय और पैसा, अपना दिमाग जो है अपने उत्थान के लिए लगाए ना, पाकिस्तान हमारे फेर में क्यों पड़ा है? वो अपनी तरक्की के बारे में सोचे, भारत के बारे में ज़्यादा ना सोचे, बस अपने बारे में। अच्छा लगा सर बात करके आपसे, धन्यवाद।